सबको हैप्पी क्रिसमस और जय यीशु। आज हम सबों के लिए बहुत खुशी का दिन है क्योंकि आज हम हमारे प्रभु ईसा मसीह का जन्म दिवस मना रहे हैं। लेकिन हर साल की तरह इस साल हम धूमधाम से क्रिसमस नहीं मना पाएंगे, लेकिन हमें आध्यात्मिक रूप से जरूर अपने आप को तैयार करना है और धूमधाम से आध्यात्मिक रूप से हमें मनाना है क्योंकि ये हमारे प्रभु ईसा मसीह का जन्म दिवस है। मेरे प्यारे दोस्तों, आप सब जानते हैं क्रिसमस विश्वास का त्योहार है क्योंकि अनेक लोगों ने ईश्वर वचन पर, भविष्यवाणी पर और प्रभु की योजना पर विश्वास किया और इसलिए ईश्वर की इच्छा के अनुसार ईसा मसीह का जन्म हुआ। मरियम और संत यूसुफ ईश्वर की योजना में साथ दिया, इसलिए आज इस 25 दिसंबर में हम ईसा मसीह का जन्म दिवस मनाते हैं। मेरे प्यारे दोस्तों, प्रभु ईश्वर को हम सबों के प्रति एक योजना है और उस योजना को वह किसी भी हालत में पूरा करेगा। इसका सबसे बेहतरीन उदाहरण है ईसा मसीह का जन्म बैतलहम में होना, क्योंकि सदियों से पहले भविष्यवाणियां की गई थी कि रक्षक का जन्म, मुक्तिदाता का जन्म बैतलहम में होगा, लेकिन मां मरियम और यूसुफ ये दोनों गलीलिया के नाजरत में रहते थे और उन्हें बैतलहम जाने की कोई भी आवश्यकता नहीं। देखो, एक तरफ ईश्वर की योजना यह है कि ईसा मसीह का जन्म बैतलहम में होना है और दूसरी तरफ मां मरियम और संत यूसुफ ये दोनों नाजरत में रहते हैं और उन्हें बैतलहम तक जाने की कोई भी आवश्यकता नहीं अभी। और इसके अलावा मां मरियम तो गर्भवती है और इस हालत में वो इतनी दूर कैसे जाएंगे और क्यों जाएंगे? कोई भी औरत शायद इस अवस्था में इतनी दूर कभी नहीं जाएंगे। जब मां मरियम और यूसुफ ये दोनों कभी भी नहीं जाएंगे और जाने की कोई आवश्यकता नहीं, अब देखो प्रभु को खुद कदम आगे बढ़ाना पड़ा। अब देखो प्रभु खुद आगे आ जाते हैं अपनी योजना को पूरी करने के लिए। कैसे प्रभु अपनी योजना पूरी करते हैं, इसके बारे में हम पढ़ते हैं संत लूकस का सुसमाचार अध्याय 2 वाक्यांश 1 में। हम इस प्रकार पढ़ते हैं, उन दिनों कैसर अगस्तस ने समस्त जगत की जनगणना की राज्याज्ञा निकाली और इस राज्याज्ञा के अनुसार सभी लोगों को अपने अपने शहर जाकर नाम लिखवाना था। अब ये बात देखो, ये तो राज्याज्ञा है, कोई भी इस राज्याज्ञा का उल्लंघन नहीं कर सकते। देखो, यूसुफ दाऊद के वंश का था और इसी कारण से उसे अभी बैतलहम जाना है। अब साथ में वो क्या करते हैं, अपने पत्नी को भी ले जाते हैं। हम जानते हैं माता मरियम गर्भवती है और इस अवसर में वह कितना मुश्किल झेला होगा, कितना परेशानी से उसे गुजरना पड़ा होगा, इतनी दूर सफर करना है। लेकिन एक बात है, इतनी मुश्किल के बीच में भी, परेशानी के बीच में भी वह बैतलहम पहुंचती है और उसके बाद वहां पहुंचने पर ईसा मसीह का जन्म होते हैं। मेरे प्यारे दोस्तों, इतनी मुश्किल मां मरियम को सहना पड़ा, इतनी कष्ट से उसे गुजरना पड़ा, फिर भी प्रभु की योजना उनके जीवन में संपन्न हुई क्योंकि वह बैतलहम पहुंचने के बाद ही प्रभु ईसा मसीह को जन्म दिया और इसी के द्वारा सदियों से पहले की गई भविष्यवाणी और प्रभु की योजना ये दोनों उनके जीवन में संपन्न हुई। दोस्तों, प्रभु को हमारे प्रति भी एक योजना है और इस योजना को संपन्न करने में शायद हमें अपने जीवन में कहीं ना कहीं, कभी ना कभी दुख, तकलीफ, संकट, परेशानी से गुजरना पड़ेगा। लेकिन इन सब परेशानी, दुख, तकलीफ और संकट के बीच में गुजरने के बाद मेरे प्यारे दोस्तों, में एक चीज जरूर संपन्न होती है, ये और कुछ नहीं प्रभु की योजना है। प्रभु की योजना हमारे जीवन में संपन्न होती है। अगले बार जब हमारे जीवन में एक तकलीफ आ जाते हैं, दुख, तकलीफ आ जाते हैं, कष्ट आ जाते हैं, छोड़ दो प्रभु के ऊपर क्योंकि उनको हमारे प्रति एक योजना है। दोस्तों, अगले बार एक बात याद रखिए, प्रभु को हमारे प्रति एक योजना है और प्रभु हमें वहां पहुंचाएंगे जहां हमें पहुंचना है। इसलिए हम हमारे जीवन के दुख, तकलीफ में और संकट में प्रभु की योजना को देखें और प्रभु को धन्यवाद दें। और सबको फिर एक और बार हैप्पी क्रिसमस, जय यीशु।